हेलो एवरीवन, दिस इज शर्मिला एंड वेलकम टू सिंपलेस्ट बायोलॉजी हब। आज हम टॉपिक कंटिन्यू करेंगे ब्लड वेसल्स। लास्ट वीडियो में हमने एनाटॉमिकल एंड मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट देखा था। तो एक्चुअली ब्लड वेसल्स एंड हार्ट इज द टू पार्ट्स ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ब्लड वेसल्स आपका सर्कुलेशन में किस तरह से हेल्प करता है वो यहाँ पे हम देखेंगे, और कौन कौन से तरह की ब्लड वेसल्स होती है, क्या टाइप्स होते हैं आपके ब्लड वेसल्स के। तो मेन वी व्हेनेवर वी टॉक अबाउट द फंक्शन ऑफ द ब्लड वेसल्स, फंक्शन क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ ब्लड, थ्रू ब्लड वेसल्स टू टिश्यू। हर एक टिश्यू उसके पास ब्लड को ट्रांसपोर्ट कर रही है, तो ब्लड के साथ साथ वो ट्रांसपोर्ट कर रही है वाटर, फूड मटेरियल, मिनरल्स, हार्मोन्स, एंजाइम्स एंड एक्सेट्रा। लॉट्स ऑफ द मटेरियल्स, इंटरमीडिएट मटेरियल्स जो मेटाबॉलिक रिएक्शन में, मेटाबॉलिक केमिकल रिएक्शंस में प्रिपेयर्ड होते हैं, वो भी ब्लड के थ्रू आपके ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। तो ये जो ब्लड वेसल्स है हमारी, ये तीन तरह की है बेटा, मेन टू टाइप्स की है मेन। जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है और हार्ट से स्टार्ट होती है, द बिगेस्ट ब्लड वेसल्स इज कॉल्ड अरोटा। अरोटा किसको कैरी करते हैं, हमारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। ओके, इसका जो साइज है, डायामीटर ऑफ द अरोटा इज 25 मिलीमीटर। अरोटा से छोटी वाली जो आर्टेरीज निकलती है उसकी साइज थोड़ी छोटी है, डायामीटर थोड़ा छोटा है, उसी की ट्रांसपोर्टिंग ऑर्गन ही है आपका। अरोटा से निकलता है आर्टेरीज से निकलता है आर्टियोल्स, एंड फर्दर आर्टियोल्स आर डिवाइडेड इनटू वेरी स्मॉल स्ट्रक्चर दैट वी कॉल्ड कैपिलरीज। तो एक्चुअल जो टिश्यूज के पास, सेल के पास ब्लड पहुंचाने का जो काम किया जाता है वो कैपिलरीज के द्वारा। जैसे हमारे घर में पाइपलाइन लगी रहती है, तो एक बड़ी पाइपलाइन, फिर उससे छोटी पाइपलाइन, फिर उससे छोटी पाइपलाइन, और फाइनली जो छोटी पाइपलाइन जो सभी रूम्स में आपकी ट्रांसपोर्ट होती है, वैसे कैपिलरीज बॉडी के ईच एंड एवरी ऑर्गन के पास आपके ट्रांसपोर्ट हो रही है, ईच एंड एवरी सेल के पास, टिश्यूज के पास जा रही है ब्लड को लेके। तो ऐसा एक पूरा ब्लड वेसल्स का जाला फैला है हमारी बॉडी में, जिसके थ्रू हर बॉडी का जो चीज़ें हैं आपकी, जो भी फंक्शन है उसका, जो भी चीज़ें आपके ट्रांसपोर्ट कर रहा है वो, तो हर एक सेल और टिश्यू तक पहुंचाने का काम कर रहा है। आर्टेरीज का जो डायामीटर है वो है हमारा 4 मिलीमीटर बेटा, एंड आर्टियोल्स का डायामीटर है हमारा 10 माइक्रोमीटर, बहुत छोटा है। कैपिलरीज का 5 to 8 माइक्रोमीटर, इतना छोटा छोटा आपका स्ट्रक्चर है। देन जो दूसरी है, जो हार्ट से निकल रही है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रही है, वो है वेना के कावा। इसका डायामीटर है 30 मिलीमीटर। यह डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। ओके, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रही है, इससे जो छोटी पाइपलाइन निकलेगी उसे हम बोलेंगे वेन्स, और वेन से जो निकलेंगे वेन्यूल्स, एंड आफ्टर वेन्यूल्स अगेन डिवाइडेड इनटू कैपिलरीज। तो आपने देखा होगा जब हमने किसी भी स्ट्रक्चर को स्टडी किया, तो हमने वहाँ पे दो चीज़ें स्टडी की। एक तो जो ब्लड कैपिलरीज से एक्सक्रीटरी सिस्टम में जब हमने स्टडी की थी, तो देखा था 10th क्लास में कि रीनाल आर्टेरी और रीनाल वेन किडनी को आपका ब्लड का सप्लाई कर रही है। तो रीनाल आर्टेरी जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई कर रही है, और रीनाल वेन क्या कर रही है, आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रही है फ्रॉम टिश्यू। तो एक्चुअल क्या होता है, ये आपकी आर्टेरीज है, आर्टेरीज इज फर्दर डिवाइडेड इनटू अरोटा, या अरोटा सपोज अरोटा डिवाइड हो गया आर्टेरीज में, जो हर एक ऑर्गन के पास जा रहा है, आर्टेरीज डिवाइड होगी आर्टियोल्स में,
है ना, पूरा डिवीजन नहीं निकाल रही, ये हो गई आपकी आरटीओल्स एंड आरटीओल्स अगेन डिवाइडेड हो गई नंबर ऑफ कैपिलरीज में, एंड यही से नंबर ऑफ कैपिलरीज ये क्या की है, ये हाफ ऑफ द कैपिलरीज आपकी आर्टेरियोल्स की है एंड हाफ ऑफ द कैपिलरीज आपकी वेन्यूल्स की है, यहाँ से ये वेन्यूल्स जाएगा और वेन्यूल्स से अगर आपका बड़े साइज का वेन निकलेगा और वेन से फिर अगेन बड़े साइज का वेना कावा निकलेगा। इस तरह का लोकेशन आपका दिखाता है, जैसे आपने देखा होगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते समय, सॉरी रेस्पिरेटरी सिस्टम को पढ़ते समय हमने कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनाया था। तो दीज आर द कैपिलरीज, इसकी हाफ ऑफ द कैपिलरीज कैसे होगी जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रही, हाफ ऑफ द कैसे होगी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रही, मतलब एक्चुअली वेन्स एंड आर्टेरीज आर मीट टुगेदर इन द कैपिलरीज, वेन्स एंड आर्टेरीज आर मीट टुगेदर इन द कैपिलरीज, क्योंकि काम क्या कर रहा है, आर्टेरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुँचाने का काम कर रहा है टिश्यू के पास, एंड टिश्यू जब उसको एक्टिविटी करवाती है, सेलुलर रेस्पिरेशन करती है, तो लॉट्स ऑफ द CO2 इज रिलीज, वो CO2 भी वो ब्लड में छोड़ रही है एंड वो CO2 आपका कैरी करवाया जाता है वेन से टूवर्ड्स द हार्ट से और लंग्स फॉर प्योरिफिकेशन ऑफ द ब्लड। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन आपका कैपिलरीज में आ जाता है। नाउ वी सी द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ आर्टेरी एंड वेन, कैसा दिखेगा हमारे इंटरनली आर्टेरी और वेन। फर्स्टली आर्टेरी, आर्टेरीज एंड वेन बोथ हैव अ 3 layers एंड दिस इज वेन। The outer layer we called tunica externa. Tunica externa is the fibrous layer and tough layer. Strength ज़्यादा रहती है fibrous and tough layer है. Then middle layer we called the tunica media. Tunica media बना है आपका smooth मसल से, स्मूथ मस्कुलर टिश्यू से आपका प्रिपेयर्ड है, और इंटरनल जो है दैट वी कॉल्ड ट्यूनिका इंटरना बना है हमारा स्क्वैमस इपिथेलियम सेल से। स्क्वैमस इपिथेलियम सेल से इसे 3 layer है, ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया एंड ट्यूनिका इंटरना, जो आपका आर्टेरीज और वेन में रहते हैं। जो ओपन स्पेस है इन आर्टेरीज एंड वेन, दैट ओपन स्पेस वी कॉल्ड लुमेन, इसे हम कहते हैं लुमेन। तो आपने नोटिफाई किया होगा बेटा कि वेन का जो लुमेन है वो थोड़ा बड़ा है, आर्टेरीज का लुमेन वो थोड़ा छोटा है। क्यों? क्योंकि आर्टेरीज की जो वॉल्स है उसकी थिकनेस वेन्स की वॉल्स की थिकनेस की तुलना में ज़्यादा है, इसकी थिकनेस ज़्यादा है, इसकी थिकनेस कम है। कुछ कुछ वेन्स में आपके वॉल्स जिप पे पाए जाते हैं, जैसे सपोज हम यहाँ पे वेन का एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर हम लेते हैं एंड उसका लॉन्जिट्यूडनल व्यू लेंगे, ये वेन है हमारा, इसका लॉन्जिट्यूडनल व्यू लेंगे तो आपको कुछ कुछ इस तरह के वॉल्स उसके अंदर दिखाई देंगे। ये वॉल्व क्या करते हैं, दीज आर स्टॉप द रिवर्स फ्लो ऑफ द ब्लड। कहीं कहीं आपका ब्लड का रिवर्स फ्लो ना हो क्योंकि उसका लुमेन ज़्यादा है तो रिवर्स फ्लो होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो जाती है, तो ब्लड का रिवर्स फ्लो ना हो इसलिए यहाँ पे वेन्स के अंदर बीच में वॉल्व लगे हैं, जैसे कि जबकि ये वाले वॉल्व आपके आर्टेरीज में प्रेजेंट नहीं है। और हमेशा आर्टेरीज का ब्लड प्रेशर इज मोर देन द वेन ब्लड प्रेशर, वेन की तुलना में आर्टेरीज का ब्लड प्रेशर मोर रहता है, जिसकी वजह से आर्टेरीज की जो वॉल्स है वो मोर स्ट्रेंथ रहती है, उसकी मोर स्ट्रांग रहती है, थिकनेस ज़्यादा रहता है। तो दिस इज अबाउट द ब्लड वेसल्स, वेन आर्टेरीज एंड वेना
सॉरी कैपिलरीज, ये जो है हमारी बॉडी में पूरी ऑल ओवर द बॉडी ब्लड ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है, एज वेल एज जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पूरी बॉडी से कलेक्ट करके फिर फाइनली उसको लंग्स के पास पहुंचाती है फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ प्रोसेस. आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स रिलेटेड टू द ब्लड वेसल्स एंड आवर ट्रांसपोर्टर सिस्टम. इन नेक्स्ट वीडियो वी टॉक अबाउट द कार्डियक साइकिल एंड वर्किंग ऑफ द हार्ट. थैंक यू.